हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। शॉर्ट में इसे हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के नज़दीक धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होने की घटना को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। दुनिया लगातार प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रही है, कहीं बाढ़, कहीं सूखा तो कहीं तूफान और कहीं जंगल में आग लगने जैसी घटनाएं घट रही है। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आज कहीं बिन मौसम के बरसात हो रही है तो कहीं बारिश के मौसम में भी सूखा पड़ रहा है। ये सभी घटनाएं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। अब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय को देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का पहला प्रमुख उपाय है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए पेड़ पौधे लगाकर हम वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को कम कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का अगला प्रमुख उपाय है, निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करना। वाहनों से होने वाले गैसीय उत्सर्जन का जलवायु परिवर्तन में सबसे ज़्यादा योगदान है, इसलिए हमें निजी वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का अगला उपाय है, अधिक से अधिक रिसाइकिल करना। यदि हम लोग अपने घर का आधा कचरा भी रिसाइकिल करते हैं तो हम लोग प्रति वर्ष लगभग कई केजी कार्बन डाइऑक्साइड बनने से रोक सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का अगला उपाय है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ग्लोबल वार्मिंग की जानकारी पहुंचाना। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ग्लोबल वार्मिंग की जानकारी पहुँचानी चाहिए और उन्हें इसके कारण, प्रभाव और रोकने के उपाय के बारे में बताना चाहिए। इसके लिए हम सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान चला सकते हैं। इस जानकारी को हमें अपने दोस्तों, परिवारों और परिचितों के साथ शेयर करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का अगला उपाय है, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषण। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का अगला उपाय है, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषण को रोकना। औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से निकलने वाला हानिकारक धुआं पृथ्वी के गर्मी को बढ़ाती है। इन औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण रोकने के उपाय करने होंगे। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का अगला उपाय है, पर्यावरण के अनुकूल चीज़ों का उपयोग। हम पर्यावरण के अनुकूल चीज़ों का उपयोग करके ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक के सामानों या ऐसी चीज़ें जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो उनका उपयोग खत्म कर देना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का अगला उपाय है, सौर, वायु और जियोथर्मल से उत्पन्न ऊर्जा का इस्तेमाल करना। ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण रखने के लिए हमें बिजली की ऊर्जा के बजाय सौर, वायु और जियोथर्मल से उत्पन्न ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का अगला उपाय है, बिजली के सामानों का कम से कम प्रयोग। ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए हमें बिजली के सामानों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। जब आवश्यकता हो तभी लाइटों का प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।